हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिश ट्यूशन। मैं राहुल कुमार। स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसी और मैथ चैप्टर 5 क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 0 एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। एक्सेलरेशन 0 है किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। चलिए मान लेते हैं कि आप मान लिया ग्राउंड पे खड़े हैं, रेस्ट में खड़े हैं, और आपके साथ एक हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम अटैच कर देते हैं लाइक दिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, दिस इज रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, तो आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में की तरह आप ट्रीट किए जा सकते हैं। तो आपके रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, ये क्वेश्चन के हिसाब से है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कैन वी कंक्लूड दैट नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। क्या हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पार्टिकल पर जो है कोई फोर्स नहीं लग रहा है? स्टूडेंट नहीं, इसका आंसर है नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हम ये कह सकते हैं कि उस पर जो भी फोर्स लग रहा है, अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो जो भी फोर्स लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है कि उसका रिजल्टेंट 0 हो रहा है। उसका नेट जो रिजल्टेंट है, समेशन जो है वो 0 हो रहा है। सो दैट न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से एफ इक्वल्स टू एम ए, चूंकि आपका 0 है इसलिए एफ भी आपका नेट फोर्स भी 0 हो जा रहा है। क्लियर बात है? जो भी फोर्स लग रहा है, अब जैसे हो सकता है, सपोज कीजिए कि आप देख रहे हैं कि कोई पर्सन आप देख रहे हैं कि भाई ये पर्सन जो है रेस्ट में खड़ा है, तो आप कहें कि भाई इस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो ये पर्सन रेस्ट में खड़ा है, ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन भी 0 है। नहीं, फोर्स तो इस पर लग रहा है, इसका जो वेट है mg और इस पर जो ये सरफेस जो लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, ये दोनों फोर्स इस तरह से लग रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट कि दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जा रहा है, नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। हो सकता है कि किसी दूसरे बॉडी पर इस तरह से फोर्स लग रहा हो, सपोज कीजिए ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नो डाउट 3 फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर ये फोर्स इस तरह से लगे कि सबके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो स्टूडेंट हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं, अगर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर 120 डिग्री एंगल सेपरेटेड हो, तो उनका नेट रिजल्टेंट जो होता है वो 0 होता है। तो इस केस में भी क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स मेरा 0 होगा। क्लियर बात है? तो हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स नहीं लग रहा है, इसका ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उस पर जो भी फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट 0 हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।